हेलो प्यारे बच्चों, विनिंग स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की थर्ड क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्यारे बच्चों आपको मैंने लास्ट क्लास में बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए टॉपिक्स कराना शुरू किए थे और कुछ क्वेश्चंस करवाए भी थे और आपको करने के लिए दिए भी थे। तो आज हम अपने नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं, जिसमें हम बैलेंसिंग के बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको छोटे से लेके बड़े बड़े इक्वेशन तक सारे सॉल्व करना सिखाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो लीजिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अब जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया C2H6+O2, CO2+H2O। मेरे सामने ये एक इक्वेशन दी गई है, समझ रहे हो बच्चों? अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसे बैलेंस करना है, मुझे इसे बैलेंस करना है। और प्यारे बच्चों, जब इसे हम बैलेंस करेंगे तो आप क्या करोगे? अब वही मैंने बताया था, जैसे कि पहले सबसे लास्ट में O को बैलेंस करते हैं, उससे पहले H को बैलेंस करते हैं, उसके अलावा फिर कोई भी हो बैलेंस करते रहो। तो जैसे आप यहां पे क्या करोगे, देखो मेरे हिसाब से आप यहां पर शुरू करेंगे कुछ इस प्रकार से कि भाई C2 है, यहां C2 है, लगा दिया। H6 है, यहां 2 है, तो 3 2 जा 6, यही करोगे। अच्छा, यहां पे O है 2, और यहां पे O कितना है, 2 2 जा 4, और 3 1 जा 3, ये आ गया भैया 7। अब क्या 7 कभी किसी 2 के टेबल में आ सकता है? तो कहोगे कि नहीं सर, ये तो हो नहीं पा रहा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब कैसे किया जाए? तो ऐसे सिचुएशन में गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो बच्चों, अब हर बार आपके पास ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक बार, इतना टाइम है नहीं आपके पास एग्जाम में कि आप एक बार पहले गलत करके देखेंगे, फिर आपको लगेगा ओ ये तो ऐसा है, फिर आप उसको दोबारा सही करोगे। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो एक बार में ही ऐसा मेथड सीखना है, ठीक है, कि वो बिल्कुल परफेक्टली उसमें सॉल्व हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तरीका है वो क्या है, गलत। अब एक ऐसा तरीका सीखने जा रहे हैं जो हर मेथड पे अप्लाई करेगा, हर मेथड पे। जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो वो मेथड अप्लाई होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं, C2H6O2, CO2H2O। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, जब कुछ भी समझ में ना आए ना आपको बैलेंसिंग के टाइम पे, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आगे अपनी मर्जी से 2 लगा दीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, क्या किया मैंने, अपनी मर्जी से यहां पे क्या लगा दीजिए भाई, यहां पे आप अपनी मर्जी से 2 लगा दीजिए, लगा दिया 2। अब जैसे ही आप यहां पे 2 लगाएंगे ना, आपके सारे जितने भी बैलेंसिंग होने वाले टॉपिक हैं वो सब कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो कैसे, जरा देखेंगे। अब देखिए सी कितना हो चुका है बच्चों, 2 2 जा 4, तो यहां पे कितना लगाएंगे, 4। एच कितना हो चुका है, 2 × 6 12, तो यहां पे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 6। अब यहां ओ कितना है, 2, और यहां ओ कितना है, 4 2 जा 8, और 6 1 जा 6, तो ये कितना हो गया, 14। कितने 2 जा 14, 7 2 जा 14, हो गया बैलेंस। तो प्यारे बच्चों, इतना सिंपल सा काम आप लोगों को करना है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो लीजिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सभी कि अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो मैं काफी सारे क्वेश्चन यहां कराने जा रहा हूं आपको। C4H10+O2, CO2+H2O। प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि आपको बिना टेंशन के आगे 2 लगा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर चीज मल्टीपल ऑफ 2, यानी हर चीज 2 के मल्टीपल में आ जाएगी, और जब कोई भी चीज 2 के मल्टीपल में आ जाती है तो उसे सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाता है बच्चों, बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए 4 2 जा 8 बन चुका है,
और यहां पे सी कितना है वन, तो क्या लगाएंगे एट। एच कितना बन चुका है टू टेन या ट्वेंटी, तो यहां पे भी हम टेन लगा देंगे, देखो हो गया ट्वेंटी। अच्छा अब ओ यहां पर है टू और यहां पे ओ कितना है एट टू जा सिक्सटीन, टेन वन जा टेन, तो कितना बन गया बच्चों ट्वेंटी सिक्स। और आपको तो पता ही है ट्वेंटी सिक्स कितने पे आता है, थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स। क्लियर बच्चों? अच्छा एक और देखिए, एक और देखिए, सी सिक्स एच फोर्टीन प्लस ओ टू सी ओ टू प्लस एच टू ओ। देख रहे हो बच्चों, आपके सामने मैंने एक इक्वेशन फिर लिख दी। मैंने क्या बताया था आपको, अपनी मर्जी से क्या करना है, टू लगा देना है जब कुछ पल्ले ना पड़े, कि भाई अगर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा तो बात ही खत्म, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप आगे टू लगा दीजिए। टू लगाते ही सी क्या बन गया, हाँ भाई सी बन गया छह दुनी बारह, तो बस यहां पे भी लगा दो बारह। ठीक, फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट, तो यहां पे भी लगा दो भाई फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट। अब ओ यहां पर है टू और ओ यहां पर है बारह दुनी चौबीस और चौदह एकम चौदह, तो कितना होगा प्यारे बच्चों, ये होगा अड़तीस, ये कितना होगा अड़तीस। और अड़तीस कितने पे आता है, उन्नीस दुनी अड़तीस, कितने पे आता है उन्नीस दुनी अड़तीस, है बिल्कुल इजी। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? तो प्यारे बच्चों आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, जल्दी से उसको करके सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे एक नए लेवल पे पढ़ूंगा। सी एट एच एटीन ओ टू सी ओ टू प्लस एच टू ओ। एक लास्ट और दे रहा हूं आपको करने के लिए, सी टेन एच ट्वेंटी टू ओ टू सी ओ टू और एच टू ओ। ये मैं चाहूंगा ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करें, ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर आपके सामने 10 बड़े प्यारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, कम से कम ये कितने क्वेश्चन हैं भाई, तीन और ये सात, दस और चार, बच्चों ये 14 क्वेश्चन आपके सामने हैं। और इन 14 क्वेश्चंस में आप सभी को बच्चों इसको सॉल्व कर, सभी को सॉल्व करना है, मतलब बैलेंस करना है, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि मैं अभी सारे करवा रहा हूं आपको, अभी मैं बिल्कुल सिलेक्टेड वाले करवा रहा हूं जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, और भी जो होंगे वो जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा इन सभी चीजों को हम पूरा करते चले जाएंगे। अब जैसे ऊपर वाले को देखिए, Na प्लस में O2 और बना N2O, बना N2O, यहां तक क्लियर हो रही बात? अच्छा अब बच्चों ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि दो चीजें मिली और एक चीज बनी, सिंगल प्रोडक्ट बना, तो हमेशा ऐसी चीजों को बैलेंस करने के लिए सिंगल प्रोडक्ट के आगे टू लगा देते हैं। सिंगल प्रोडक्ट के आगे क्या लगा देते हैं, टू। अब सिंगल प्रोडक्ट किस तरफ है बच्चों, इस तरफ, तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, इसके आगे आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। पल्ले पड़ रही है बात? अच्छा अब जब आपने यहां पे इसके आगे टू लगा दिया प्यारे बच्चों, तो अब बैलेंस करने की कहानी शुरू होती है कि Na कितना बन चुका है, Na बन चुका है टू टू जा फोर, तो यहां पे लगाएंगे फोर, और ओ यहां पे भी टू है और ओ यहां पर भी टू है, तो ये लो जी बैलेंस हो गया। अब नीचे वाले को देखिए, देखिए इन दोनों के मिलने से ये बना है, वो बात अलग है, मैंने इसका सीक्वेंस चेंज करके लिख दिया, तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। हाँ अब फर्क क्या पड़ता है, इससे ये चीज बनी, तो इसका मतलब पता है क्या किया है, इसको ब्रेक किया गया है, इसको तोड़ा गया है, हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम ब्रेक करके भी नई चीजें बना देते हैं। तो इस तरफ आप देख रहे हो सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन ये ब्रेक होके दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब इधर ये रिएक्टेंट जो है वो सिंगल है और प्रोडक्ट डबल है, तो ऐसा पॉसिबल है, ये मत सोचना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। किसके द्वारा, लाइट से भी हम किसी चीज को ब्रेक कर सकते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी से भी ब्रेक कर सकते हैं, हीट से भी ब्रेक कर सकते हैं, और भी कई तरह की चीजें हैं, लेकिन ये तीन बेसिक कंटेंट तो हैं ही जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? अच्छा, अब ये H2O2, ये H2O, ये +O2, ठीक है बच्चों? तो मैंने क्या समझाया था, जो भी सिंगल प्रोडक्ट है उसके आगे क्या लगा दो, टू लगा दिया। H कितना बन चुका है, 2 2 जा 4, तो यहां पे भी लगा दो 2 2 जा 4। अच्छा, O कितना बन चुका है, 2 2 जा 4, तो देखो ये रहा 2 और ये रहा 2, तो कितना हो गया 4। लो जी, बैलेंस हो गया, इतना सा काम करना था बस। अच्छा, अब इस वाले को देख लो, थर्ड को शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो भी सिंगल है उसके आगे क्या लगा देंगे, 2। Fe कितना बन चुका है, 4। O कितना बन चुका है, 2 3 जा 6, तो यहां पे क्या लगाओगे, 3 2 जा 6, हो गया। तो इस तरीके से बैलेंस करना है। अब इसको देखिए, अब इसको देखिए, हाँ जी, ये NH3, ये +CuO, तो ये तो बहुत बड़ा बन गया। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा लास्ट में ऑक्सीजन को और उससे पहले हाइड्रोजन को, और उसके अलावा फिर आप किसी को भी पहले बैलेंस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए हम पहले एन को बैलेंस करना चाहते हैं, तो एन यहां पे कितना है, 1, और एन यहां पे कितना है, 2। तो यहां पे क्या लगा दूंगा बच्चों, मैं यहां लगा दूंगा 2। देखो एन बैलेंस हो गया। अच्छा, अब सीयू, तो यहां पे सीयू कितना है, 1, यहां पे भी सीयू कितना है, 1, पहले से ही बैलेंस है। अब किसको करूंगा, एच को, एच कितना हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो बस बात खत्म। तो यहां पे भी हम लगा देंगे 3 2 जा 6, कोई दिक्कत, ठीक है जी, 3 2 जा 6 हो गया। लेकिन बच्चों अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना है, यहां पे ऑक्सीजन है 3, और यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम, 3। तो इस 3 लगाने से प्यारे बच्चों क्या हो गया, इस 3 लगाने से सीयू भी 3 हो गया और ओ भी 3 हो गया, समझ रहे हो? इस 3 को यहां लगाने से सीयू भी 3 हो गया और ओ भी 3 हो गया, तो इस वजह से हम लोग सीयू के आगे भी क्या लगाएंगे, 3, ताकि बैलेंस हो जाए। कितने बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है, तो चलिए एक बार इसको दोबारा समझते हैं, ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ये लो, एक बार फिर से समझते हैं, क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया था, लास्ट में ऑक्सीजन को और उससे पहला हाइड्रोजन को, उसके अलावा किसी को भी बैलेंस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो मान लो भाई, हाँ, आप सीयू को करना चाहते हो सीयू को भी कर सकते हो, एन को करना चाहते हो एन को भी कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने अगर सीयू देखा 1, सीयू देखा 1, हो गया बैलेंस, एन देखा 1, एन देखा 2, बैलेंस नहीं है, तो आगे क्या लगाएंगे, 2 लग गया। अच्छा, अब एन भी हो चुका है बैलेंस, सीयू भी हो चुका है बैलेंस, लेकिन अब एच कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो यहां पे लगा दो 3 2 जा 6। तो बच्चों जब ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इससे भी तो करेगा, तो अब ऑक्सीजन की बारी, बच्चों इस तरफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। तो इस 3 ने क्या किया, इस 3 ने सीयू को भी बदल दिया और ओ को बैलेंस कर दिया, तो 3 सीयू के आगे कितना लग चुका है, 3, और यहां पे सीयू के आगे कितना है, 1, तो कितना लगा देंगे, 3। लो जी, हो गया बैलेंस। तो आपको पता है क्या करना है, आपको चेक करते रहना है कि हाँ जी कौन बैलेंस नहीं होता जा रहा है, और जो नहीं होता जा रहा उसको बैलेंस करते चलो, ठीक है? अब जैसे हमने देखा कि शुरुआत में हमने देखा तो सीयू बैलेंस था, लेकिन जब बाद में हमने 3 लगाया तो सीयू बदल गया। तो इस तरीके से चेक करते रहो, क्योंकि इस तरीके से चेक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कहां पे बैलेंस हो रही है। आपको बस पता है क्या देखना, दोनों जगह देखना कि हाँ भाई दोनों का हिस्सा जो है वो बराबर बराबर है कि नहीं, दोनों का हिस्सा बराबर हो गया, बात खत्म, बस आपको तराजू वाला खेल खेलना है, ठीक है? अब इसको देखिए, यहां Na1, यहां Na2, यहां Na1, यहां Na2 लगा दो बच्चों, दो, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब Na बैलेंस हो चुका है, अब किसकी बारी है, SO4, अब किसकी बारी है, SO4। अच्छा, इस वाले कंटेंट में मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस वाले कंटेंट में एक बात बताना चाहूंगा मैं बच्चों, ये SO4 जो है ना, आप हमेशा एक सिंगल यूनिट मान के चलो, SO4 को आप हमेशा क्या मान के चलो, सिंगल यूनिट मान के चलो। कारण कारण क्या है, देखो सिंगल यूनिट नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप S अलग गिनो, O अलग गिनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन SO4
क्यों अलग करने के लिए, क्यों मैं सिंगल यूनिट गिनने के लिए बोल रहा हूं? अच्छा, ये सिंगल यूनिट गिनने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसा ये रिएक्टेंट में दिखाई देता है वैसा ही ये प्रोडक्ट में दिखाई देता है, दिख रहा है आपको? यानी SO4 जो है इधर भी SO4 है तो प्रोडक्ट बनने के बाद भी SO4 है, ठीक है? अगर कभी दो चीजें कंबाइंड रूप से रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाओ बच्चों कि वो एक सिंगल यूनिट लेट किया जा सकता है, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग सेपरेट करके करो, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? चलिए, तो अब देखो यहां Na कितना है, दो, यहां Na था एक, मैंने लगा दिया। अब बात करते हैं SO4 की। बच्चों SO4 ये पूरा कितना है, एक है, और ये SO4 भी पूरा कितना है, एक है, ठीक है बच्चों? चलो अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। हां जी, अब हाइड्रोजन यहां पे कितना है, यहां पे हाइड्रोजन है दो और दो चार, और यहां पे हाइड्रोजन है दो, तो लगा दो दो, देखो चार बन गया। अच्छा अब ऑक्सीजन गिनते हैं, तो ऑक्सीजन भी कितना है, दो, ठीक है? और अब खुद तुम कहोगे कि नहीं यार यहां पे दो है तो यहां पे भी तो चार है, चार और दो छह हो गए। लेकिन नहीं बच्चों, मैंने क्या बोला, SO4 पूरा गिन लिया, SO4 पूरा गिन लिया। जब हम SO4 को पूरा गिन लेंगे तो इसके O को काउंट नहीं करेंगे, इसके O को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? बार बार देख के समझिएगा इस बात को कि SO4 इधर भी एक है, SO4 इधर भी एक है, तो क्या मुझे O गिनने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि मैंने एक बार में ही काउंट कर लिया। तो अब इसके अलावा जो O बच गए हैं हम उसको गिनेंगे, जैसे ये, तो यहां पे भी 2O और यहां पे भी 2O, लो जी हो गया बैलेंस, बस इतना सा काम करना था। समझ में आ रही है बात? चलिए अब जैसे इसको देखिए, NH3+O2 N2+ में H2O, तो कैसे N को बैलेंस कीजिए, दो और एक लग गया दो, H कितना हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है? अच्छा O कितना हो गया, अब यहां O हो गया 2, और यहां O कितना हो गया 3, यहां O कितना हो गया 3, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो बच्चों जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको पता है क्या करना है, आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर नंबर डबल करके चलना है। अब यहां पर आपको क्या करना है भाई, नंबर डबल करके चलना है। किस प्रकार से नंबर डबल करके चलना है? अब मुझे दिख रहा है कि भाई मैंने यहां आगे 2 लगा के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो मैं आगे 2 की जगह मैं 4 लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा। अब देखते हैं कि होता है या नहीं बैलेंस। भाई एन कितना बनाया मैंने, 4, एन यहां कितना है 2, क्या मैं 2 लगा के 4 बना सकता हूं? एच कितना है, 4 3 जा 12, तो मैं यहां पर 6 2 जा 12 कर सकता हूं। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 6, और यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 2, 3 2 जा 6, देखो हो गया बैलेंस। तो मतलब अपनी तरफ से बस एक छोटा सा नंबर सोचना है और भाई काम कर देना है। अच्छा अब बच्चों आता है ये, अब आता है ये बिल्कुल स्पेशल टाइप का है, ठीक है? तो इसको भाई 1 मिनट, इसको और इसको मैं लास्ट में सिखाऊंगा, ठीक है? तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। अच्छा ये Mg+CO2 और ये MgO+C, तो क्या करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे, Mg1 Mg1 बैलेंस, C1 C1 बैलेंस, ओ लेकिन दो, ओ लेकिन एक, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई। तो क्या करेंगे भाई, अब हम यहां पर 2 लगाएंगे, तो देखो ओ कितना हो गया 2 और ओ कितना हो गया 2। लेकिन बच्चों इस 2 लगाने की वजह से ओ तो 2 हो गया लेकिन एमजी भी तो 2 हो गया, तो क्या करेंगे, एमजी के आगे भी लगा देंगे 2। अच्छा अब यहां पे, हां जी क्या करेंगे फटाफट बताओ, K1 K1, एच कितना है 2, एच कितना है 2 और 1 3, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैंने बताया था ना ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 2। अब जब यहां 2 लगाओगे तो यहां भी 2 लगाओगे, ठीक है? अब देखो एच यहां कितना है 2 और एच यहां कितना है 2 और 2 4, तो ये बन गया 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 2, बैलेंस हो गया, ऐसे करना है, ठीक है? इसको देखिए CaCO3+HCl, CaCl2+H2O+CO2, तो कैसे बैलेंस करेंगे, CA1 CA1 हो गया बैलेंस। अब कार्बन 1 कार्बन 1 हो गया बैलेंस, ठीक है?
अब किसकी बारी? सीएल की। सीएल एक सीएल दो ये नहीं है भाई बैलेंस, सीएल एक सीएल दो नहीं है बैलेंस, तो यहां आगे क्या लगा देंगे? टू। देखो अब सीएल हो गया टू, अब किसकी बारी? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना? दो। हाइड्रोजन कितना? दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना है? तीन। ऑक्सीजन भी यहां पे कितना है? दो और एक, तीन, हो गया बैलेंस। बस यानी दो लगाना था, खत्म कहानी, गिनते चलो। अब इसको देखो, एल एल बैलेंस, सी यू सी यू बैलेंस, टू थ्री बैलेंस नहीं। तो क्या करेंगे? अपनी मर्जी से इसके आगे क्या लगा देंगे? टू, बताया था ना मैंने, अपनी मर्जी से लगाएंगे टू। जब यहां अपनी मर्जी से टू लगेगा तो यहां भी टू लगाना पड़ेगा बैलेंस होने के लिए। अच्छा, अब सी यू एक सी यू एक, लेकिन सी एल कितना हो चुका है? सी एल हो चुका है सिक्स, और यहां पे सी एल कितना है? टू, तो लगाओ थ्री। देखो हो गया सिक्स, लेकिन इस थ्री की वजह से ये सी यू भी थ्री हो गया और सी एल तो सिक्स हो गया, तो बस यहां पे भी क्या लगा दो? थ्री। तो देखो सी यू भी हो गया थ्री बैलेंस। अच्छा, एम जी एन टू, एम जी एन टू, अब देख सकते हो अब क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? सिंगल प्रोडक्ट के आगे टू लगा देना है, सिंगल प्रोडक्ट के आगे टू। तो देखो एम जी कितना हो गया? थ्री टू जा सिक्स, लगा दो सिक्स। एन कितना हो गया? टू टू जा फोर, तो यहां पे क्या लगा दो? टू। देखो हो गया बैलेंस। ठीक, अब यहां पे भी, यहां देखो फिर से सिंगल प्रोडक्ट, आगे क्या लगाएंगे? टू। तो के टू, के भी टू हो गया, सी एल भी टू हो गया। इस टू ने के को भी टू बनाया, सी एल को भी टू बनाया, के को भी टू बनाया, सी एल को भी टू बनाया, लेकिन ओ को कितना बना दिया? ओ को बना दिया थ्री टू जा सिक्स, तो यहां पे लगा देंगे थ्री टू जा सिक्स। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे के सारे बैलेंस कितने आसानी से कर लिए। बस आपको तोलना है बच्चों, तोलना है, यहां से उठाया यहां से तोल दिया, यहां से उठाया यहां से तोल दिया, समझ में आ रही है बात? हाँ, अब इसको देखिए, अब इसकी बारी। चलिए, हाँ जी, कैसे बैलेंस किया जाए ऐसे सिचुएशन में, जरा आप ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां देखिए ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इस ब्रैकेट के टू का मतलब पता है क्या है? कि ये टू इस अंदर वाले दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर रहा है। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो टू है एच से भी अलग मल्टीप्लाई कर रहा है और ओ से भी अलग मल्टीप्लाई कर रहा है। तो चलिए बैलेंस करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। एम जी एक एम जी एक, हो गया बैलेंस। अच्छा, अब किसकी बारी? सीएल की। सीएल दो सीएल एक, तो लगाइए भैया दो, हो गया सीएल भी दो। अच्छा, अब एच की बारी, एच कितने हो गए? देखो बच्चों, एच ये तो है ही दो, ये वाला एच तो है ही दो, ये वाला एच भी तो दो है, तो दो और दो कितने हो गए? चार। तो क्या मैं यहां पे दो दुनी चार बना सकता हूं? अब ओ की बारी, यहां पे ओ कितना है? ओ भी कितना है? दो, और यहां पे भी ओ कितना है? दो, हो गया बैलेंस। बस इतना सा देखना है, आइए इधर देखिए। हाँ जी, ए एल ओ एच थ्राइस, ए एल ओ एच थ्राइस, ए एल टू ओ थ्री प्लस में एच टू। तो चलिए बैलेंस करते हैं, ए एल ए एल टू, तो यहां पे क्या लगेगा? टू। देखो हो गया ए एल टू। अब किसकी बारी? एच की बारी। अच्छा, इस चीज को ध्यान से समझना बच्चों, अब जो समझाने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना। क्या समझना है? देखो ये वाला टू, समझना क्या कह रहा हूं मैं, ये वाला टू पहले जाके मल्टीप्लाई होगा थ्री से, ये वाला टू पहले मल्टीप्लाई होगा जाके किससे? थ्री से। भाई जब टू की मल्टीप्लाई थ्री से करोगे तो वो क्या बन जाएगा? सिक्स बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? सिक्स बन जाएगा। और बच्चों जब ये टू की मल्टीप्लाई थ्री से की तो बन गया सिक्स। अब ध्यान रखना कि एच भी सिक्स बन चुका है और ओ भी सिक्स बन चुका है। मार्कर को ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, पहले ये टू इस थ्री से मल्टीप्लाई करेगा, हो गया सिक्स। अब जो सिक्स बना वो एच से भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ओ से भी मल्टीप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसके बाहर क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस बात को ध्यान से समझना, तो एच कितना बन चुका है? सिक्स, तो यहां पे लगेगा थ्री टू जा सिक्स। ओ कितना बन चुका है? सिक्स, तो देखिए तीन ओ ये रहे और तीन ओ ये रहे, तो ओ भी कितना हो गया? सिक्स। तो प्यारे बच्चों एक एक बात को मैंने क्लियर यहां पे बड़े धीरे धीरे से बहुत आराम आराम से एक एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। नोट कीजिए, समझिए, ठीक है, दो बार देखिए, तीन बार देखिए इस वीडियो को, ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे बात कीजिए, फिर मैं उस चीज को दोबारा एक बार आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। अभी इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रह रहे हैं तो वो भी करवाता हूं फटाफट, पहले इसको नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ये आपको खुद बैलेंस करने हैं,
ठीक है। और पहले क्या करना है, जो मैंने आज जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं पहले उनको करो आप, ठीक है। और उनको करने के बाद, समझ रहे हो, उनको करने के बाद आप कम से कम उसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, और जब उसकी प्रैक्टिस आपसे अच्छे से हो जाए तब आप इन 6-7 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, अगर हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो अगली क्लास में आते ही पहले मैं इन 7 क्वेश्चन को ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। और ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे चलेंगे, जिसमें मैं कम से कम आपको 2 टाइप डेली, ठीक है, अब 3 क्लास का और ये चैप्टर रह गया है, 2 टाइप डेली एक क्लास करके हम इसे खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व और प्लस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए।